से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फ्री वीजा एडवाइजर पर। दोस्तों इस समय मैं प्लेन में हूं और प्लेन ये देखिए, ये हम बेलारूस पहुंचने वाले हैं और बेलारूस पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा वहां पे कैसा रहेगा दिन। मैं ये वीडियो बिल्कुल चुपके से चोरी से बना रहा हूं क्योंकि एयर होस्टेस 2-3 बार देख चुकी है कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। तो बड़ा मज़ेदार सफ़र, ये थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखिए। और ये प्लेन की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, बहुत एक्साइटिंग सा फील हो रहा है कि अब जो कुछ भी होने वाला है कमाल का होने वाला है। सीरियसली दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग टू वो। आई होप कि जो मेरे साथ 16 लोग हैं वो भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे, वो भी इस समय बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे 30 कंट्रीज़ के लोग आए हुए हैं, 30 कंट्रीज़ के ग्रुप आए हुए हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके इंडिया का कल्चर दिखाना है, इंडिया के कल्चर के बारे में हमने परफॉर्मेंस देनी है। तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों सच में। मैं अपने प्रोग में बार हो, मेरा दिल तो कहता है कि अब जैसे ही जितनी जल्दी हो सके तो हम लोग जल्दी से जल्दी बेलारूस पहुँचे और हम लोग अपनी जितनी भी एक्टिविटीज शुरू करें। तो ये बड़ा एक्साइटिंग हो रहा है, कुछ कह नहीं सकता हूँ कि दोस्तों अभी देखते हैं क्या होता है। और ये हम जा रहे हैं इस समय प्लेन से हमें एयरपोर्ट की तरफ, जो इमिग्रेशन होती है, जहाँ पे इमिग्रेशन चेक होता है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं इस समय बेलारूस के टूर पर हूँ, जहाँ पे मैं अपने 16 लोगों के साथ आया हुआ हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे बेलारूस में पहुँचे हैं और जैसे ही पहुँचे हैं तो हमारे साथ किस किस तरीके से यहाँ पे एकदम से एक्टिविटीज़ हुई और हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं जो हमें लेने आए। दोस्तों मज़े वाली बात तो ये है कि जब आप किसी भी फॉरेन कंट्री में, किसी भी जगह पर जाए, अब्रॉड में कहीं पे भी आप जाते हो, तो अगर आपको कोई लेने आता है तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं है यार, कमाल है, मज़ा आ गया। तो आइए शुरू करते हैं आज का दिन की शुरुआत, आज किस तरीके से मेरा दिन गुजरा। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपनी यात्रा से। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल में, ये हमें होटल अभी प्रोवाइड किया है आज उन्होंने। इस होटल के हम लगभग, मुझे लगता है कि 30 माले के ऊपर होंगे और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी ट्रैफिक है चारों तरफ, और चारों तरफ जो है ना कमाल का व्यू है, मतलब इतना मज़ा आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए ये मार्केट है, उधर एक सुपर मॉल है, वो दूर एक सुपर मॉल। तो ये भीड़ भाड़ का इलाका, सुबह 10 बजे हैं अभी यहाँ पर, और 10 बजे इतनी भीड़ हो चुकी है यहाँ पे। तो अभी और मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, और जूम करता हूँ थोड़ा सा। तो जूम करने के बाद ये देखिए, वो दूर तक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, कमाल का व्यू है मेरे यार, कमाल। तो रियली थैंक्स टू गॉड कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि बेलारूस में आने की। दोस्तों मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो देर आर सो मैनी कैटेगरीज़, हम लोग हमेशा ही एक चीज़ के पीछे पड़ रहते हैं। आप 2-3 अच्छी कंट्री में विजिट करना, बेलारूस एक बहुत बढ़िया कंट्री है, ये देखिए आप सामने सब कुछ ऑटोमेटेड है। यहाँ पे जो ये भीड़ लगी है, ये देखिए ये सारी गाड़ियाँ बिल्कुल एक्यूरेटली सेंसर के थ्रू चल रही है। तो बेलारूस एक बहुत बढ़िया कंट्री है यार, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। मैं वहाँ से इंडिया से, तो मुझे लगता है ये 50 साल आगे हैं, जिस तरीके से ये लोग, इन लोगों की टेक्नोलॉजी है, इन लोगों का जो कल्चर है, कमाल का कल्चर है। हमारे कल्चर के अंदर भी बहुत डेप्थ है, लेकिन इन लोगों को आदत बन चुकी है, इन लोगों ने अपनी आदतें बनाई हैं ऐसी। तो यहाँ का वीज़ा मुझे लेने के लिए ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं आई, हाँ दिक्कतें कह सकते हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन इतनी दिक्कतें नहीं आई। तो आप लोग किसी भी तरीके से, इतने सारे जो है इवेंट होते हैं, आपको पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर कम से कम 20 लाख से ज़्यादा इवेंट होते हैं एक साल के अंदर, 20 लाख, ये बहुत कम बोला। ये देखिए ये चर्च है, यहाँ बिल्कुल हमारे होटल के बिल्कुल पिछली साइड एक चर्च है, कमाल का व्यू दिख रहा है, कमाल की लग रही है ये चर्च। और
मैं चाहूँगा कि इसको भी हम विज़िट करें, एक दिन हम लोग ज़रूर विज़िट करेंगे। इस होटल के कमरे से ये सब कुछ व्यू दिखाई दे रहा है, मज़ेदार व्यू है दोस्तों, कमाल है, मज़ा आ गया, आनंद आ गया। तो मैं बात कर रहा था कि आपको वीज़ा अप्लाई करना है, तो वीज़े के लिए आप कई सारी कैटेगरी हैं, ड्यूरिंग टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ, आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप कल्चरल वीज़ा के लिए जाइए। कल्चरल वीज़ा सभी कंट्रीज़ के अंदर जो है बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कल्चरल वीज़ा के ऑप्शन पर चलते हैं तो बहुत सारी कंट्री हैं आपको इन्वाइट करती हैं कि अगर आपका कल्चर हमारे कल्चर के साथ में कुछ नया कर सकता है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और इतना टैलेंट तो आजकल सब लोगों में होता है, टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, और बहुत सारे ऐसे सोशल ऐप हैं जहाँ पे इंसान जाकर अपने आप को टैलेंटेड साबित करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अब्रॉड आना चाहते हो तो इससे बड़े ऑप्शन देखिए, मैं खड़ा हूँ इस समय अपने 16 लोगों के साथ। तो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट शाम को मेरा कॉन्फ्रेंस है, और कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आपको रात को, आज हमारा इंडियन नाइट क्लब है यहाँ पे, वहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट किया है, तो मैं आपको उस इंडियन नाइट क्लब के लेके जाऊँगा जो इन्होंने हमारे लिए स्पेशल अरेंज किया है। तो देखते हैं आज मीटिंग में क्या क्या होता है, कॉन्फ्रेंस में क्या क्या होता है। हमने वर्कशॉप भी दिखानी है, हमने लेनी है, और मुझे यहाँ पे इंडिया के कल्चर के बारे में लेक्चर भी देना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी आज करने वाले एक्साइटमेंट, और शाम के एक्साइटमेंट तो ये है कि जो इन्होंने हमारे लिए जो नाइट क्लब, इंडियन नाइट क्लब, इंडियन गानों का नाइट क्लब हमारे लिए अरेंज किया है, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं वहाँ जाकर ये सारी चीज़ें देखूँगा, और कमाल मज़ा आने वाला है यार, कमाल है वैसे कि बेलारूस में अगर इंडिया के गाने बजते हैं, वो भी पंजाबी, हिंदी, बॉलीवुड जो भी है, और तो ये बहुत बढ़िया काम होने वाला है। थैंक यू, अभी मिलते हैं शाम को। हलो जी बाबे, हूँ आ गए आप अपने दोस्तों को, मेरे दोस्त ने यूक्रेन तो मेरा दोस्त और फ्रेंड, और नाले मेरे टीम मेंबर जो इंजॉय कर रहे ने मेरा इंटरव्यू, हूँ आ इंटरव्यू वास्ते आ गए। By internet, by Kadamata art, and there was a right, and I got the link from there, and then we are here. Are you going to play or what? Yes. We are just looking at all the play and all the performance going on here in Kyoto. And do you, it's so nice. So nice. Do you like performances? Yes. Tomorrow we have at 7:30 p.m. Where? In theater. Okay. I don't say jazz. What? Jazz? No. Tomorrow at 7:30. 7:30. 7:30. Tomorrow. Okay. Thank you very much. Welcome. Okay. लो जी, सारा दिन की थकान के बाद अब अपने होटल में अभी पहुँचे हैं, और अपने होटल में पहुँचने के बाद अभी हमने डिनर किया है। डिनर करने के बाद अपने रूम में आके अभी शावर लेकर अभी मैं देखने आया था कि नज़ारा क्या नज़ारा है दोस्तों। ये नज़ारे किस्मत वालों के नसीब होते हैं, फॉरेन कंट्री में होटल में आकर बिना खर्चा किए, बिना अपना पैसा खर्चा किए, आज हम देखिए 16 लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं शोज़ करने के लिए। अभी हमारा कल सुबह शो है, और अभी हम रात को नाइट क्लब में जाने वाले हैं। नाइट क्लब इंडिया का डांस जहाँ पे देखेंगे आप, मैं अंग्रेज़ों को, बेलारशियन पीपल को आज पहली बार डांस पंजाबी गानों के ऊपर या हिंदी गानों के ऊपर डांस करते हुए देखूँगा। तो यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि इन्होंने स्पेशली एक नाइट क्लब हमारे लिए अरेंज किया है कि जहाँ पर हम लोग इंडिया के कल्चर को ही सिर्फ इंडिया के कल्चर के गाने ही मतलब बजा सकते हैं, उसके ऊपर जो सारे डांस कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी चीज़ है, मेरे को प्राउड फील हो रहा है, मैं अपने परमात्मा का धन्यवाद कर रहा हूँ, मैं अपने माता पिता का धन्यवाद कर रहा हूँ कि जिन्होंने मुझे जो पढ़ाया लिखाया, और पढ़ाई लिखाई के बाद मुझे ये दिन नसीब हुआ। तो दोस्तों ये तो बात मानने वाले हैं कि आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आपका जो भी नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, वो आपके काम ज़िंदगी में ज़रूर आता है, चाहे उसके लिए आपको देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तो चलिए नाइट क्लब चलते हैं आज रात को।
तो ये देखो अभी सारे लोग हमारे डांस कर रहे हैं और कितना मजे ले रहे हैं, सारे मजा करके डांस कर रहे हैं, कमाल। और ये पंजाबी गाना बज रहा है, देखो कितनी जोर दी बज रहा है पार्ट पंजाबी गाना और कितना मजा आ रहा है। अभी यहाँ पे अंग्रेज भी, वो पीछे जो है ना अंग्रेज भी कैमरे में आ नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है। अब दोस्तों इससे आगे मैं इस वीडियो का जो रियल साउंड है वो कम कर रहा हूँ, यानी कि उसे मैं ना के बराबर कर रहा हूँ, और मैं आपसे बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सब वीडियो आपको दिखाने का केवल एक ही मतलब है, सिर्फ इसका एक ही रीज़न है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि लोग इंडिया के कल्चर के दीवाने हैं, किस तरीके से इंडिया के कल्चर के लिए लोग क्रेज़ी हैं। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इतनी बड़ी बात है कि मैं इस समय बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है मैं इसे बता नहीं सकता आपको। तो जो भी मैंने वीडियो की अभी वॉल्यूम कम की है, तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्योंकि ये सारी चीज़ें गूगल पे जानी है, गूगल के यूट्यूब पे जानी है, चाहे मैं इसका क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस भी ले लूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो इसलिए मैं इसकी वीडियो जो है वीडियो का साउंड कम कर रहा हूँ। कमाल का इस समय नज़ारा है, बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि ये मेरी टीम का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक करेक्टर है हमारी टीम का। अभी इसको चैलेंज दिया था बेलोरशियन लोगों ने कि आप इंडिया के गानों पे डांस करते हो, आप इंग्लिश गाने पे डांस करते हैं, ये देखिए अमोलड मुंडा ये डांस कर रहा है, देखिए क्या बात है। देखिए अभी इन्होंने चैलेंज हमें चैलेंज दिया था कि आप लोग इंग्लिश गानों पे डांस कर सकते हैं कि नहीं, ये देखिए सारी टीम, मेरी टीम इंग्लिश गानों पे डांस कर रही है। और सारे ये जो अभी आपको जहाँ पे अंधेरा दिखाई दे रहा है चारों तरफ ये लोग बैठे हुए हैं, और क्योंकि यहाँ पे मैं कैमरे से शूट कर रहा हूँ, कैमरा दूसरा कैमरा अलाउड नहीं है यहाँ पे लाना अंदर, तो इसीलिए इस कैमरे से शूट कर रहा हूँ। और ये देखिए तो अंधेरे के कारण जितना भी व्यू आ पा रहा है मैं उतना ही कैच कर पा रहा हूँ सिर्फ। ये रवि, मिस्टर रवि डांस कर रहे हैं, और साथ में है कृष्ण, ये साहब सिंह, ये दीपू, प्रदीप सिंह, और ये फौजी जिसको हम फौजी बुला रहे हैं, सरबजीत, सारे लोग डांस कर रहे हैं, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया, कमाल करता है। नाइट क्लब बेलारूस इंडियन गाने, इंडियन लोग, सब तो बड़ी गल है कि इन्होंने, इन लोगों ने हमारे लिए स्पेशल पंजाबी मिक्स हो जाता है, और क्योंकि पंजाबी याद है हिंदी में, मैं इसलिए वीडियो बनाता ताकि ये सभी लोग इसको चेक कर सके, देख सके कि हाँ इस लैंग्वेज को समझ सके। मैं यहाँ पे पंजाबी हरियाणा की सारी मिक्स होकर आया हूँ, तो इसलिए तो ये देखिए कितने सभी लोग डांस कर रहे हैं और सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। कमाल का क्या सीन है, क्या नज़ारे का उस समय सीन चल रहा है, मज़ा आ गया भाई, क्या बात है, मज़ा आ गया यार। अरे दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा यार, तुम लोग भी आओ, जो लोग ये वहाँ दुबक के बैठे हैं, एजेंटों के सहारे बैठे हैं, एजेंटों के दम पे बाहर आकर एंजॉय करना चाहते हैं, भाई निकलो बाहर, निकलो। ये देखिए मेरी सारी पूरी टीम एंजॉय कर रही है, कितना मज़ा आ रहा है, कमाल हो गया, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे इतनी देर आप देखते हैं, और देखने के बाद मुझे सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं, और जब उन कमेंट्स को मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे एक नया चैलेंज मिल जाता है कि मुझे अगला वीडियो किस पे बनाना है। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरा साथ देते रहिए, मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं आपको नॉलेज, अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बिहार पर अच्छे से अच्छी गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।